क्वार्टर लिया है हम लोगों ने और ये क्वार्टर हम लोग ऐसे एडजस्ट होकर बैठे हैं। तो भाई इस तरीके से जो है वो सीट्स हैं यहाँ पे। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि माता के नवरात्र चल रहे हैं और आज है 11 अप्रैल और आज है माता का तीसरा नवरात्र। तो भाई माता का बुलावा आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग की जो ट्रेन है वो है सुबह 6 बजे की, तो थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। और जो हमारी जो ट्रेन है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो कि है वंदे भारत। तो चलते हैं थोड़ी देर में और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में ही हम लोग। तो चलो तब तक बने रहिए। तो भाई बस इतना सा ही सामान है हमारा, चलो निकलते हैं। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ अपने प्लेटफॉर्म पे, और जो हमारी ट्रेन है वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। तो चलो चलते हैं। और अभी बज रहा है 5:15 और 5:30 तक ऑलमोस्ट जो है ये ट्रेन जो है वो लग जाती है और 6 बजे जो है यहाँ से वो चल देती है। तो चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। एंट्री तो हम लोगों ने कर लिया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो भीड़ थी, मे बी क्योंकि अभी काफ़ी सारी जो ट्रेन है इस टाइम पे चल रही है, मतलब मॉर्निंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलो चलते हैं, अभी प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग पहुँच गए हैं, तो चलो चलते हैं। तो भाई ट्रेन का जो सामान है वो आ चुका है, खाने पीने का ब्रेकफास्ट वगैरह जो है, और ट्रेन भी थोड़ी देर में जो है वो आने वाली है। तो भाई जो ट्रेन है हमारी वो ऑलमोस्ट आने वाली है, 6:40 हो जो 5:40 हो चुके हैं, ट्रेन आने वाली है और हम लोग यहाँ पे खुराफाती कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे, मजे ले रहे हैं। तो भाई थोड़ी देर में ऑलमोस्ट जो यहाँ पे भीड़ जो है वो ऑलमोस्ट लग चुकी है लोगों की, तो देखते हैं थोड़ी देर में आने वाली है। इस तरीके से जो है वो सीट्स हैं यहाँ पे, हम लोगों ने चेयर कार करी है सीसी वाली। तो भाई ट्रेन में चढ़ चुके हैं और अभी 5:52 हो रहे हैं, बस अभी चलने वाली है थोड़ी देर में, 6 बजे चलेगी ऑन टाइम। तो भाई स्टेशन से जो है हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, आपको दिख रही होगी पीछे, और हम लोगों ने अपना जो सीट है वो भी ले लिया। सीट हमारी बस पीछे एक ही है, तो सीट भी अच्छी है, कंफर्टेबल है काफ़ी, अगर किसी ने अभी ट्रैवल नहीं किया है यहाँ पे वंदे भारत में। तो ये है हमारा जो निकल चुके हैं कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। पानी की बॉटल्स आ चुकी है, इस तरीके से जो है वंदे भारत में आपको पानी की बॉटल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। Only after the train has come to a complete halt. तो भाई टाइम हो रहा है 8:10 और अम्बाला कैंट आ गई है ऑन टाइम है, बिल्कुल भी जो ट्रेन है वो पूरी ऑन टाइम है, आप पीछे देख सकते हैं अम्बाला कैंट जो है वो आ चुका है। तो अभी तक तो ऑन टाइम चल रही है, वैसे मैंने पहले भी इसमें ट्रेवल किया तो पहले भी ऑन टाइम ही थी, अब देखते हैं कि किस हिसाब से चलती है। हेलो ये आर्मी टैंक लोड हो रखे हैं, ये आर्मी की है ना।
स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो भाई अभी हम लोग जम्मू पहुंचे हैं और यहाँ पे हो रही है बारिश। अब बस इतना उम्मीद लगा रहे हैं कि वहाँ पे जाके बारिश ना हो, मतलब दर्शन जो है हमारे बहुत अच्छे से हो जाए। अभी देखो पता नहीं क्या है, कभी धूप निकल देगा, ये बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो रही थी। फिर ट्रेन जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई है, 10-15 मिनट लेट हो गया है, पीछे रुकी है। अब हम लोग जो है जम्मू तभी पहुँचने वाले हैं, तो देखो कैसा मौसम रहता है, हालात के हिसाब से आपको भी हम लोग खबर देते रहेंगे। भाई ये है जम्मू तवी का स्टेशन, अभी उतर नहीं रहे हैं क्योंकि 2 मिनट का ही जो हॉल्ट है वो यहाँ पे से मिला है। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग, गेट ओपन है बट हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना ऑटोमेटिक गेट्स वगैरह हैं, तो मम्मी की स्ट्रिक्ट परमिशन से बाहर नहीं जाना। तो भाई कोई नहीं, बाहर से नज़ारे लेते हैं, मतलब अंदर से नज़ारे लेते हैं बाहर के। ये फाइनली पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन माता वैष्णो देवी कटरा पर। कृपया ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। प्लीज रिमेम्बर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विथ यू। अभी तो हम लोग कर रहे हैं रेस्ट, थोड़ा सा स्टेशन पर ही रेस्ट, एज इन की मतलब बेसिकली बस बैठे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो अभी रुके हैं। उसके बाद में हम लोग होटल वालों को कॉल करेंगे और तब तक देखिए इतना प्यारा व्यू जो मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से हमारी ट्रेन जो अभी रुकी हुई है वापस से 3 बजे जो है ये रिटर्न जर्नी लेगी दिल्ली की तरफ। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं कि क्या माहौल है, कैसे सारे लोग रेस्ट हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली सबका। तो चलो चलते हैं। यहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन के यहाँ पर आ गए हैं और सामने ही जो काउंटर है वो है आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से ही हम लोग अपना RFID कार्ड जो है वो लेंगे। तो भाई यहाँ पे अभी तो भीड़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खाली है, पूरा खाली पड़ा है। तो अभी अपना RFID कार्ड बनवा रहे हैं और उसके बाद में फिर सीधा चलेंगे ऑटो लेके होटल पर। अपना RFID कार्ड जो है वो मिल गया है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लिटरली बिल्कुल भीड़ नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ तो लाइन होगी, मतलब 10-12-15 लोगों की कुछ तो लाइन होगी, लेकिन कुछ भी लाइन नहीं है। बढ़िया, हम लोगों को अच्छे से RFID कार्ड जो है वो मिल गया है। तो भाई एग्जिट हम लोगों ने कर लिया और एग्जिट करने के बाद में अब ले रहे हैं ऑटो। हम लोग एक ऑटो लिया है हम लोगों ने, और एक ऑटो में हम लोग ऐसे एडजस्ट होकर बैठे हैं, कंजूस है हम लोग, कंजूस इंसान। और हम लोग को ये जो ऑटो पड़ा है वो पड़ा है 210 रुपये का। और हम भैया के पास से कॉन्टेक्ट करना, भैया का नंबर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, है ना भैया। जो हम लोगों ने बुक किया है नारायणी भवन, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट ऊपर जाके दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमारा रूम। ये है यहाँ की एंट्रेंस, यहाँ से है, और ये है यहाँ का रिसेप्शन का। तो भाई फाइनली हम लोग को जो है होटल हम लोगों ने ले लिया है, हम लोग का जो है ये आगे सीधा, ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं और यहाँ के एज इन जो इन रूम के होंगे, और हम लोग का है, चलो देखते हैं आगे 107। तो इस तरीके से भी मैं दिखा दूंगी कि किस तरीके से रूम जो हम लोग के हैं। और अभी हम लोग बस फ्रेशन अप होके हम लोग निकलेंगे और बस अब रूम में फिर इस व्लॉग को ख़त्म कर देंगे और जो अपना दर्शन का है फिर अलग से स्टार्ट करेंगे। भाई ये हैं यहाँ के रूम्स, एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है यहाँ पे, और ये आई गेस वॉशरूम्स हैं ये, और यहाँ पे है आपकी बालकनी। वो ये बालकनी खुल नहीं रही, टाइट है, खुल नहीं रही, खुल गई। ये आपकी प्राइवेट बालकनी मिल जाएगी आपको, जो भी मतलब अपने कपड़े वपड़े सुखाने हैं तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सही है, मतलब प्राइवेट आप अपने जो क्लोथिंग वगैरह सुखा सकते हैं। तो चलो चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं।